देखिए, ये शिकायत कुछ दिनों पहले माननीय महापौर जी के संज्ञान में भी आई थी, और उसके बाद क्योंकि मटन मार्केट बंद हो गया था, अभी ये फिर से खुला है। महापौर जी ने व्यवसायियों के साथ एक बैठक की थी। क्योंकि कोई शासकीय हैचरी देसी, अभी बॉयलर मुर्गे की तो मांग एकदम ख़त्म हो गई है जब से कोरोना वायरस आया है, देसी मुर्गे का उत्पादन नहीं करती है। देसी मुर्गा बेसिकली सरगुजा के गांव में ग्रामीण पालन करते हैं और उत्पादन करते हैं, और जो व्यवसायी हैं वो गांव गांव जाकर लाया करते हैं। आज की स्थिति में गांव में भी पूरे रास्ते बंद हैं, तो व्यापारियों ने बताया था कि हमें आवक हमारे पास कहीं से नहीं है, तो जो हमारे पास स्टॉक है उसी को हम सेल कर रहे हैं। और माननीय महापौर जी ने भी निवेदन किया था कि एक दर आप निर्धारित करें, मांग के अनुसार रोज दर न बढ़ाएं। और आपके द्वारा आज जानकारी मिली है तो हम फिर व्यवसायियों से हम लोग चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि लोगों को निर्धारित दर पर ये मटन मुर्गा जो भी है वो प्राप्त हो। उनका कहना है कि 2 बजे रात तक निकलते हैं गांव गांव से लेकर आते हैं मुर्गा को। अब मैंने बताया ना कि चूंकि देसी मुर्ग चिकन ग्रामीण इसका पालते हैं, उत्पादन करते हैं, शहर में किसी हैचरी में इसका उत्पादन नहीं होता है, तो निश्चित रूप से उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। फिर भी हम व्यवसायियों से चर्चा करके आम जनता को कुछ राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। लॉकडाउन से पहले 400 रुपये के जी था, लॉकडाउन में 600 रुपये के जी हो गया है। देखिए, बायलर की बिक्री एकदम ख़त्म हो गई। बायलर कोई अंधविश्वास में या भ्रम में या कोई बीमारी की चर्चा ऐसी फैली कि बायलर लोगों ने उपयोग करना बंद कर दिया। निश्चित रूप से देसी चिकन की मांग बढ़ी, और मांग बढ़ी और सप्लाई कम है, इसलिए व्यवसायी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम चर्चा करके लोगों को राहत दिलाएंगे।